परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 124 बिना ध्यान के समाधि नहीं। प्यारे लोगों, सत्संग में सबसे विशेष बात यह है कि ईश्वर स्वरूप का ठीक ठीक निर्णय हो जाए और वह बुद्धि को ठीक ठीक जंच जाए। इसलिए उपनिषद और रामचरितमानस का पाठ हुआ। उपनिषद में ईश्वर को आत्मा कहा गया है, कहीं कहीं परमात्मा कहा है। जैसे कोई आकाश कहे तो घर का आकाश और बाहर का आकाश दोनों का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि आत्मा कहने से केवल शरीर के अंदर की आत्मा जानो। जैसे कोई आकाश कहने से घर के आकाश को समझे और बाहर के आकाश को नहीं समझे, यह उसकी भूल है। उसी प्रकार आत्मा कहने से केवल शरीर के अंदर की आत्मा जानना भूल है। जिस तरह वायु सब घट मठ को भरकर उनके अनुरूप रूपों को धारण करती है, एक गिलास में भरकर हवा है, उस हवा का रूप उस समय गिलास के समान है। एक घर में व्यापक हवा घर के रूप के अनुरूप है और उससे बाहर भी है। उसी प्रकार उपमा देकर उपनिषदकार ने समझाया है कि जैसे घर और बाहर की हवा सब एक ही है, उसी तरह सब भूतों में और सबके बाहर एक ही अंतर आत्मा है। सब भूतों का अर्थ सब जीवों का है। वायुर अथे को भुवनम प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उससे बाहर भी है। आत्मा कहने से जीव दशा नहीं होती, वह सब में है किंतु सबसा नहीं है। वह मन से जानने योग्य नहीं है, मन उसका मनन नहीं कर सकता। जैसे और वस्तु को मन जानता पकड़ता है, उस तरह उसको नहीं जान सकता पकड़ सकता है। यह आत्मा वेद वाक्यों से बुद्धि से बहुत स्मरण रहने से प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मा से ही आत्मा परमात्मा प्राप्त होता है। जो सबके अंदर रहते हुए सबसे बाहर है, वह शरीरस्थ आत्मा से प्राप्त होता है। शरीरस्थ आत्मा एक अंतःकरण व्यापी होता है और दूसरे उससे परे होता है। अंतःकरण अर्थात भीतर की इंद्रियां, मन से कुछ जानते हो, बुद्धि से विचारते हो, चित्त से कंपन होता है, अहंकार में मैंपन का बोध होता है,
इन चारों से युक्त है जीवात्मा। ये चारों इंद्रियां जड़ हैं, चेतन आत्मा से नीचे है, चेतन आत्मा नहीं है, क्षर नाशवान है, अक्षर अनाश है, इससे परे पुरुषोत्तम है। इसी के लिए उपनिषद में अनंत अचल ध्रुव कहा गया है। अनंत का अर्थ यदि कोई असंख्य करता है तो वह भूल है, अनंत एक से अधिक नहीं हो सकता। दो अनंत होने से दोनों का जहां मेल मिलेगा वहां ससीम हो जाएगा। जैसे घर के बाहर के आकाश का भेद जानने के लिए घटाकाश और मैदाकाश कहते हैं, उसी प्रकार शरीरस्थ आत्मा के लिए जीवात्मा शब्द का व्यवहार होता है और ब्रह्मांड में व्यापक ब्रह्म के लिए परमात्मा शब्द का व्यवहार होता है। जहां प्रकृति का फैलाव है वह ब्रह्म है, और जहां प्रकृति का फैलाव नहीं है वहां उसको परमात्मा कहते हैं। ईश्वर एक है, उससे बाहर कोई जा नहीं सकता, क्योंकि अनंत का कहीं अंत ही नहीं है। अनंत के बाहर कौन जा सकता है? परमात्मा अवर्णनीय है, बुद्धि वर्णन नहीं कर सकती है क्योंकि बुद्धि बहुत पीछे हुई है। जीवात्मा का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कहा जाए कि एक ईश्वर नहीं अनेक ईश्वर हैं तो यह युक्ति संगत नहीं है। आज तक संसार में जितने आचार्य हुए किसी के वचन से वेदांत सिद्धांत का मेल नहीं है। यहां के लोग यदि समझना चाहें तो यहां आकर बहुत दिनों तक सत्संग करें। वेदांत सिद्धांत में अनेक आत्मा मानता है, यह नास्तिक है। आस्तिक हरगिज नहीं। इस पुस्तक में दो ही शरीर माना है, उपनिषद में तीन शरीर माना है, और संतवाणी में पांच शरीर माना है। ये पांचों शरीर उन तीनों में ही समा जाते हैं, इसलिए तीन मानो या पांच। एक कोई भी ऐसा स्थूल पदार्थ नहीं जिसमें सूक्ष्म का प्रवेश नहीं, सूक्ष्म ऐसा पदार्थ नहीं जिसमें कारण ना प्रवेश कर सके। वेदांत सिद्धांत में है कि ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है, तो जीव में ईश्वर व्यापक है, तब वह सर्वज्ञ क्यों नहीं हो जाता है? मैं कहता हूं कि एक ही इंद्रिय में सब ज्ञान क्यों नहीं होता? हाथ से देखते क्यों नहीं, आंख से सुनते क्यों नहीं? यह तो यंत्र के अनुकूल है। सर्वव्यापी ईश्वर सब में रहते हुए जीव अज्ञान में है, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा उनका सिद्धांत है। किसी विषय को तुम विशेष जानते हो, किसी विषय को कम जानते हो, तो तुम में ही कम ज्ञान और विशेष ज्ञान दोनों है, तो इन दोनों को एक साथ रखते हुए कैसे रहते हो?
इसका निर्णय कर लो, यदि तुम दोनों एक साथ रह सकते हो तब अल्पज्ञ और सर्वज्ञ एक साथ है तो आश्चर्य क्या है। व्यक्ति का सर्वज्ञ होना सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं सर्वज्ञ हूं, कितने प्रश्न उन पर हुए, कितने में वे चुप हो गए। मलिंद शाह ने नागसेन से पूछा कि तुम्हारे भगवान सर्वज्ञ थे, तब उन्होंने कितने का उत्तर क्यों नहीं दिया। नागसेन ने कहा, राजा कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर चुप होना ही उत्तर है, कितनी चीजें बुद्धि में आती हैं किंतु वचन में नहीं आती हैं। नमक का स्वाद कैसा होता है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अलग अलग आम को खाते हो, आम के स्वाद को जानते हो, किंतु उसको फुटा फुटा कर लिखना असंभव है। योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में वशिष्ठ मुनि और भगवान राम का संवाद है। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जितने हम लोग हैं सब एक ही हैं। श्री राम ने कहा कि तब आप कहते किसको हैं। वशिष्ठ जी चुप हो गए। श्री राम ने कहा कि गुरुदेव आप रुष्ट तो नहीं हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं उत्तर दे रहा हूं, इसका उत्तर चुप है। वाह हुआ और वास्कल मुनि का शंका समाधान होते होते अंत में वाहु मुनि चुप हो गए, इसका उत्तर ही चुप है। ईश्वर अनेक कभी नहीं हो सकते। यहां इस संसार में एक दूसरे पर काबू रखता है, यदि एक दूसरे पर काबू नहीं रखे तो संसार की क्या हालत हो। राष्ट्रपति है, मंत्री है, राज्य राज्य में मंत्री है, थाने थाने में दरोगा रहते हैं, इसके ऊपर के हाकिम इन पर काबू रखते हैं तब ठीक ठीक काम होता है। धर्म में आचार्य होते हैं, वे जैसे जैसे बताते हैं लोग उनके अनुकूल चलते हैं, नहीं तो वह संस्था ठीक ठीक चलती है। यदि आचार्य नहीं हो, नियंत्रण करने वाले नहीं हो, तो संस्था नहीं रह सकती। अनेक ईश्वर मानते हैं, एक ईश्वर दूसरे से लड़ते हैं, डाका मारते हैं। यदि कहो कि एक दिन हम सब ईश्वर हो जाएंगे, तो जब ईश्वर हो जाओगे तब कहना। एक साधारण साधक कहे कि मैं संत हूं, हो नहीं सकता। संत का अर्थ मैं पूर्ण मानता हूं। एक साधारण विद्यार्थी कहे कि कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर दी, हो नहीं सकता। कॉलेज की पढ़ाई पढ़े, पढ़ते पढ़ते पढ़ाई समाप्त करे फिर कहे। सत्संग से लोगों को यह ज्ञान दिया जाता है कि लोग बहके नहीं, ठीक ठीक रास्ते पर चले। ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर एक है, अनेक ईश्वर मानने से बीच में अवकाश देना होगा। बिना अवकाश के एक दो का ज्ञान नहीं हो सकता। दोनों के बीच में उसको फुटाने के लिए कुछ फांका अवश्य रहेगी। अपने शरीर को ही देखें, आंख और कान के बीच में अवकाश के बिना पहचाना नहीं जा सकता। अपने अल्प ज्ञान में विशेष ज्ञान को दोहराओ उचित नहीं। आत्मा एक ही है,
आत्मा से प्रार्थना करो। जब एक ही आत्मा है तब प्रार्थना किसी दूसरे से करोगे? कहां तो काम का दास और कहां परमात्मा का दास, दोनों एक ही है। अपना गुलाम आप बनते हो, सवेरे पखाना जाते हो तो अपना मैला साफ करते हो, इसकी लज्जा नहीं? और परमात्मा का दास भक्त बनो, इसमें लज्जा या कौन सा ज्ञान है? परमात्मा के सिवा संसार में और ऐसा पदार्थ नहीं है जो अनंत हो। अनंत एक ही हो सकता है। विचार से, विचारने से एक अनंत अवश्य सिद्ध होता है। गोस्वामी तुलसीदास या और कोई आचार्य झूठे नहीं, उनकी बातों को टालने से अपनी ही हानि होगी, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अंतःकरण से जो तुम बोध करते हो उससे विशेष वह है। जो तुम अंतःकरण रहित होकर बोध करोगे तब तुम संतों की वाणियों को समझोगे, संतों की बुद्धि के परे की वाणी को तुम बुद्धि में अटाओगे, हो नहीं सकता। जब सब ईश्वर ही है तब मुनि, मुनिवर, मुनिरत्न आदि छोटी बड़ी उपाधियां, पदवियां क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अपने शरीरस्थ आत्मा को पहचान लो तो तुम वही हो जाओगे, तब फिर सभी शंकाएं मिट जाएंगी। इसके लिए बहुत शुद्ध आचरण चाहिए। इसलिए संतों ने झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पांचों महापापों से बचने को कहा। हमारे पेट में जोंकटी कीटाणुओं से भी बड़ी है, तन में भी चेतन है किंतु वह लेक्चर नहीं देता। मनुष्य शरीर रहते हुए भी उसमें मनुष्य वाला ज्ञान क्यों नहीं होता? उसी तरह परमात्मा के इसमें व्यापक रहने पर भी जीव को सर्वज्ञता नहीं होती। जैसे लकड़ी में अग्नि है किंतु लकड़ी को पकड़ने से हाथ जलता नहीं है, अग्नि को पकड़ने से हाथ जलता है, लकड़ी को भी रगड़ने से अग्नि निकलती है। इस देह में चेतन है तो इसको रगड़ने से चेतन क्यों नहीं निकलता है? तुम तो व्यक्त लकड़ी को व्यक्त लकड़ी से रगड़ते हो, यहां तो शरीर व्यक्त है और परमात्मा अव्यक्त है, इन दोनों को कैसे रगड़ सकते हो? ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। श्रीमद् भगवत गीता के अनुयायियों ने कहा कि अब ध्यान करने का समय नहीं है। जिन भगवान बुद्ध को ध्यान योगी कहते हैं उनके शिष्य कहते हैं कि अब ध्यान करने का समय नहीं है। सारे संसार के लोग जिस अध्यात्म विद्या के लिए यहां आते थे उस ज्ञान को झांप दो उचित नहीं। गीता में सबसे विशेष कर्मयोग को माना गया है। स्थिर बुद्धि रखकर समान दृष्टि से सब संसार को देखते हुए काम करो। अपना सुख दुख जैसा दूसरे का भी सुख दुख वैसा ही समझो। सब काम करते रहो और ईश्वर के की तरफ मन लगाते रहो, यह भक्ति कर्म योग है। स्थित प्रज्ञता समत्व कैसे होगा? इसके लिए प्राणायाम योग करो या ध्यान योग करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्राणायाम का वर्णन किया किंतु ध्यान योग की जैसी विधि बतलाई गई है वैसी नहीं। वहां कहा गया है कि समाधि में तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी, बिना ध्यान के समाधि नहीं हो सकती। जिससे हो सके प्राणायाम करो, जिससे नहीं हो सके वह ध्यान करो।
प्राणायाम में आपदा भी आ सकती है, उससे फेफड़ा बिगड़ सकता है, मस्तिष्क बिगड़कर पागलपन हो सकता है, किंतु ध्यान योग में आपदा नहीं। सांडिल्यो उपनिषद में आया है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनेह शनेह तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हन्ति साधकम्। जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी तरह प्राणायाम भी किया जाता है। प्राकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है, नीचे के पांच चक्रों का नहीं, केवल छठे चक्र आज्ञा चक्र से ही साधना आरंभ करो तो पांचों चक्रों के जो गुण है वे भी आ जाएंगे, ऐसा वर्णन शिव संहिता में है। यानी यानी ही प्रोक्तानी पंचपद में फलानी वे तानी सर्वान सुतरा मेदक ज्ञान भवंती है, अर्थात पंच पद्मों का जो जो फल पहले कहा सो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी को गुरु ने सिखाया हो नीचे के चक्र से ध्यान करने का तो वो करो, वही करो। गीता बहुत अच्छी पुस्तक है, जो उसके अनुकूल चलेगा उसका कल्याण होगा। भक्ति बहुत दूर दूर तक अंदर अंदर है, बाहर में सत्संग का सहारा है, जो पिछले जन्म से किया हुआ आया है वह बाहर बाहर की पूजा नहीं करे, अंदर अंदर की करे तो करे। ज्ञान कांड में भी भक्ति है, बिना भक्ति के कल्याण नहीं, बिना सत्संग के भक्ति नहीं होती, बिना सदगुरु के सत्संग नहीं हो सकता। जो गुरु सत्संग भक्ति ध्यान की शरण लेगा वह भवसागर से पार हो जाएगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। यह प्रवचन कटिहार जिला के श्री संतम सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 13/8/1955 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।